मैं इस वक्त इस सिचुएशन में हूँ, ना निकले आप, मैं अपनी बता रहा हूँ आपको मिसाल, ना निकले आप तो आप फिर किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ऊपर बहुत बड़ा डॉक्टर बैठे हैं। वही देखें, एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सब एग्जिस्ट करता है, होते हैं, लोग कमरे में बंद कर लेते हैं। मैंने किया अपने आप को कमरे में बंद, मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आई डोंट नो, मेरे दोस्त आए। लेकिन आप अपने आप से लड़े बहुत हैं, आपकी जंग अपने साथ ही रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं लड़ाऊँ और ख़ुद ही, मैंने कहा मुझे सब कुछ खुद ही करना है, बिकॉज एक पॉइंट आता है जब सब छोड़ देते हैं आपको, और सब छोड़ क्या देते हैं, आपको किसी की हेल्प चाहिए ही नहीं होती, आप कहते हैं कि यार अब आपको खुद ही करना होगा। तो फिर यह है कि जो आप खुद करते हैं ना, जो जिम भी अच्छा दोस्त बन गया होगा ना, जिम और ये वाला जो एक एनजाइटी वाला जो टाइम है ना, उसमें मैं जिम भी नहीं कर सका। बाय द वे वो था, कितने अरसा गैप था वो? वो था तकरीबन इट्स आई थिंक अ वीक और 10 डेज। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा होते, मेरे लिए साल है समझ लें। हाँ, सर, साल है। बिल्कुल, जो बंदा ट्रैवलिंग पे ना छोड़े, क्या बात। मैं ट्रैवलिंग पे नहीं छोड़ता जिम, लोग इन्जॉय करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं अपना एक आवर लाजमी निकालता हूँ जिम का। वो 10 दिन ऐसे होंगे, 10 साल लग रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर मुझे वो दोस्त पकड़ के घर से लेके गए, भाई जिम तो आओ तुम, तो मैं जिम गया हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता आई रिकवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। उमर, सुना बहुत अच्छा गाते हैं आप, काफ़ी देर मैंने अभी आपसे इस पर ही बात की, आज आप सुनाए बगैर तो जाएंगे नहीं, तो कुछ अच्छा सा सुनाए हमें ज़रा प्लीज़, मेरी टीम को भी, हमें भी, आपको सुनना है। क्या सुनेंगे आप बताएं? जो आपका दिल चाहता है, कोई ऐसा सुनाए जो आपको सबसे अच्छा आप गा सकते हैं। मैं फिनाले पे था, मुझसे बोला कि आप कोई सॉन्ग सुनाए, तो मैंने ये कहा था कि जब हम तमाशा घर में गा रहे होते थे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है टीम तो होती नहीं थी, लेकिन आज बादशाह सलामत मेरे सामने बैठे हैं, तो उनके लिए मैंने कहा आज सामने मैं इनके गाना चाहूँगा, इनके ही ड्रामे का मेरे पास तुम होगा सॉन्ग, तो वही सुना देता हूँ। सुनाए। मैं समझा कि तुम हो